हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितने स्कोर तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल आईसीआर का एग्जाम दिया है तो उनका कितने स्कोर पे कौन से कोर्स में एडमिशन होने वाला है। ठीक है, मिनिमम आपके कितने स्कोर चाहिए होंगे, जिन स्टूडेंट्स के 100 प्लस हैं, 200 प्लस है, 300 प्लस है, 400 प्लस है, 500 प्लस है या आपके 550 प्लस है, तो उनको कौन सा कोर्स और कौन सा सीट है वो उनको अलॉट होने वाला है, सारे इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं और अपना इंडिविजुअल स्कोर कैसे कितना आया वो कैसे चेकआउट कर सकते हो वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, यदि आप चैनल पर नए हो या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू योर पेपर लेवल एंड स्कोर एंड परसेंटाइल। जितने भी स्टूडेंट्स का हमारे पास स्कोर एंड परसेंटाइल चेकआउट किया है उसके बेसिस पे एंड लास्ट ईयर के बेसिस पे हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। यदि आपका इतना स्कोर रहेगा तो आपको सीट है वो 100% कंफर्म मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स ने यदि अपना रिजल्ट चेकआउट नहीं किया है तो वो रिजल्ट है वो आपकी ऑफिशियल साइट cutsmart.ac.in पे चेकआउट कर सकता है। जिसे आप रिजल्ट वहां पे जाओगे तो वहां से लॉगिन करके अपना रिजल्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे जैसे आप नीचे की ओर आगे की ओर देखोगे, रिजल्ट डाउनलोड करोगे तो रिजल्ट है वो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आपका बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, ठीक है, एक सबसे पहले आएगा परसेंटाइल स्कोर। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर जो यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ कन्फ्यूज में हो जाता है। परसेंटाइल जो स्कोर यहाँ पे निकाला गया है ये स्कोर है वो आपके टॉपर के बेसिस में, जितना भी आपका टॉप किया है उसके बेसिस पे यहाँ पे परसेंटाइल फॉर्म निकाला जाता है। अब टोटल आपने फिंगर आउट नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया करने के बाद आपने कितना स्कोर किया है वो यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे आप टोटल स्कोर है वो देख सकते हो आपने 200 से। ठीक है, आपका यहाँ पे 76 स्कोर किया, 73 स्कोर किया, 28 स्कोर किया, तो यहाँ पे टोटल स्कोर आप देख सकते हो कितना हुआ। तो इनका टोटल स्कोर हुआ 76, 73 और 28। ठीक है, तो इनका टोटल स्कोर कितना हुआ आप देख सकते हो, तो लगभग आप मानोगे तो इनका स्कोर जाएगा वो 250 या 240 या 230 के अप्रोक्स स्कोर जाएगा। तो इस तरह से आप भी अपना स्कोर कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे फिंगर आउट करके जितना आपका स्कोर बनता है वो आपका स्कोर होगा। ओके, ये जो है वो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से हुआ है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। अब जिन स्टूडेंट्स के जितने भी स्कोर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, जिससे कि आपको हम यहाँ पे कमेंट्स के रिप्लाई देंगे कि आप कौन सा कॉलेज है या कौन सा सीट है या कौन सा कोर्स आपको अलॉटमेंट हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आप जो है अपना स्कोर बताइए और कैटेगरी बताइए कि इस कैटेगरी से मैंने इतना स्कोर किया है और कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से, चाहे क्योंकि सब्जेक्ट ग्रुप भी आपका अफेक्ट करता है। चाहे आप पीसीएम से हो तो भी आपका कट ऑफ काफ़ी लो रहता है, उसके बाद पीसीबी से हो तो आपका मीडियम टाइप कट ऑफ रहता है और एबीसी से कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, जो आगे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आगे और वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट ग्रुप की बात करें तो तीन प्रकार के स्टूडेंट्स यहाँ पे आईसीआर का एग्जाम दिए या सीटी का एग्जाम दिए थे, जिसमें एबीसी ग्रुप के होंगे, जिसमें पीसीबी ग्रुप के होंगे, जिसमें पीसीएम ग्रुप के होंगे। तो अलग अलग हम कैटेगरी वाइज यहाँ पे बात करेंगे और साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि कौन कौन से कोर्सेस आप कर सकते हो। यदि आपने एबीसी ग्रुप से एग्जाम दिया तो कौन सी कोर्स कर पाओगे, यदि आपने पीसीबी से दिया तो कौन सी कोर्स कर पाओगे एंड पीसीएम से दिया तो कौन सा कोर्स है वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे आईसीआर यूजी 2023 की कट ऑफ, जिसमें एबीसी ग्रुप, जिन स्टूडेंट्स ने एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री से पेपर दिया है और वो एबीसी से ही काउंसलिंग करवाएंगे तो सिर्फ वो चार कोर्सेज ही कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सा आता है, उसमें आता है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री, ये चार ही कोर्सेज वो कर पाएंगे। अब इसकी कट ऑफ कितनी जाती है, तो कट ऑफ यदि आपका टोटल स्कोर 350 से 360 यदि आ रहा है और यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका यूआर कैटेगरी में सीट अलॉटमेंट लास्ट राउंड तक हो जाएगा। ये जितने भी कट ऑफ हमने डिस्कस किए ये फोर्थ राउंड तक यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 350 से 360 के बीच में उनको फर्स्ट राउंड उनको है लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा बीएससी एग्रीकल्चर का। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो 340 से 350 के अप्रोक्स यदि आपका स्कोर है तो आपको लास्ट राउंड तक सीट बीएससी एग्रीकल्चर में हो जाएगा। यदि ओबीसी की हम बात करें तो 350 से 360 के स्कोर आ रहा है तो आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एससी की बात करें तो 300 से 320 तक यदि आपका स्कोर बन रहा है तो बीएससी एग्रीकल्चर का सीट है वो लास्ट राउंड तक अलॉटमेंट हो जाएगा। एसटी की हम बात करें तो 300 से 320 के बीच में यदि स्कोर आ रहा है तो आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर की हम बात करें तो बीएससी हॉर्टिकल्चर का यहाँ पे 330 से 340 यदि स्कोर आ रहा है तो यहाँ पे आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा बीएससी हॉर्टिकल्चर में। यदि आपका स्कोर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है और आपका 330 से 340 आ रहा है तो आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओबीसी में यही है। एससी एसटी में बात करें तो 290 से 300 और यहाँ पे एसटी में बात करें 290 से 300 यदि स्कोर है तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक बीएससी हॉर्टिकल्चर का
जो है कोर्स अलॉटमेंट हो जाएगा। फिशरीज की बात करें तो 320 से 330 के बीच, और वहीं हम बात करें EWS में भी सेम रहेगा, OBC में भी यहाँ पे सेम स्कोर रहेगा। यदि इतना स्कोर आप 320 या 330 कर रहे हैं तो फिशरीज का कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। SC की बात करें तो यदि 280 से 290 के अप्रोक्स यदि आपका स्कोर आ रहा हो तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। ओके, ST की बात करें तो यहाँ पे भी 280 से 290 के बीच आपका स्कोर है तो आपको लास्ट आउट तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में आपका 300 से 320 के बीच में यदि स्कोर हो तो यहाँ पे आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। उसके बाद EWS की हम बात करें तो EWS में आपका 320 से 300 यहाँ पे 40 कर लीजिए 330 तक, ठीक है, 330 तक यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। वहीं OBC में यही 320 से 330 के बीच, और 280 से 285 यहाँ पे SC में, और वहीं ST में 280 से 285, ठीक है। तो ये आपका ABC ग्रुप के स्टूडेंट्स का है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यदि आप ABC ग्रुप से हैं, ठीक है, तो आपको इतने चार कोर्सेज कर सकते हो। इनकी कट ऑफ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, यदि आपका इतना स्कोर आ रहा तो आपको कहीं ना कहीं लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट ईयर भी हमने कम से कम 300 के अप्रोक्स यहाँ पे पेड काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को कॉलेज है अलॉटमेंट करवाई है। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं अपने ब्लॉग चैनल पे यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि जैसे ही उनका काउंसलिंग में सीट अलॉट हुआ उसके बाद हम कॉलेज में भी उनके गए, उनसे मिले, बातचीत किया, ठीक है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का लगभग आपका मान सकते हो 200 प्लस स्टूडेंट्स का हमने एडमिशन करवाया ICR में। तो इस साल भी ICR का हम पेड काउंसलिंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो भी स्टूडेंट्स इनरोल होना चाहता है तो वो इन नंबर पर स्क्रीन चल रहे नंबर पे या इस नंबर पे है जो है कॉन्टैक्ट कर सकता है आप सभी स्टूडेंट्स का, जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है। अब ये नहीं कि आपका सपोर्ट किया जाएगा, सपोर्ट नहीं, सारा जितना भी प्रोसेस है वो हमारी टीम के द्वारा करवाया दिया जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर हम काफ़ी अच्छी मेहनत करके सभी स्टूडेंट्स को जितने भी प्रॉब्लम्स थी उनके सॉल्व की, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनकी प्रॉब्लम आई वो भी आपका पूरा हमने सॉल्व किया, और साथ ही साथ उन स्टूडेंट्स को जिनको हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं हो रहे थे उनसे वहाँ पे जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी वो भी वहाँ पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व करवाई, ठीक है। तो यदि आप भी हमारे इस काउंसलिंग प्रोसेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने सारा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे इस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपका चार्ज है वो 699 रखा गया है, जिसमें आपका काउंसलिंग चार्ज ओनली ऑन 599 रहेगा, बट आपका 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं वो आपका चॉइस फिलिंग करके खुद करके देने का और आगे की प्रोसेस में आपका हेल्प करने का, सारे प्रोसेस करने का वो लिया जा रहा है। तो ओनली 699 में आपका सारा प्रोसेस हमारी टीम के द्वारा करके दिया जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट ग्रुप की हम बात करें PCB ग्रुप की, ठीक है। यदि आप PCB ग्रुप से हैं तो आप कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं, तो सबसे पहले यदि आप PCB ग्रुप से हैं तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, BTech बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, मतलब टोटल आप बात करो तो यहाँ पे आप टोटल 6 कोर्सेस कर सकते हो। अब उनकी कट ऑफ क्या रहती है, तो कट ऑफ सेम रहती है बट जो एक्स्ट्रा कोर्सेस है उनकी कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर की बात करें तो BSc एग्रीकल्चर में यदि आपको एडमिशन लेना हो तो 350 आपको अप्रोक्स अबो लाना होगा, EWS में 340 से अबो लाना होगा, OBC में 350, SC ST में 300 और ST में आपका 300 रहेगा। BSc हॉर्टिकल्चर में क्या करना है, BSc हॉर्टिकल्चर में आपका 330 से अबो लाना है, EWS में 330, OBC में 330, SC ST में 290 भी यदि आपका स्कोर रहेगा तो BSc हॉर्टिकल्चर का सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। फिशरीज़ की बात करें तो फिशरीज़ में आपका 320 से 330 का होना चाहिए, वहीं आपका EWS और OBC का सेम कट ऑफ रहेगा, और SC एंड ST में 280 रहेगा। ओके, फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री में यदि आपका स्कोर जो है आपका स्कोर 300-320 रहेगा, उसके बाद में SC एंड ST कैटेगरी में 280 रहेगा, तो आपको लास्ट राउंड तक सीट अलॉटमेंट फॉरेस्ट्री के कोर्स में हो जाएगा यदि आपने PCB से एग्ज़ाम दिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट यदि आप BTech बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा आप जो है 6 कोर्सेज कर सकते हो जिसमें BTech बायोटेक्नोलॉजी भी है। तो BTech बायोटेक्नोलॉजी करने के लिए आपको 300 से 320 के अप्रोक्स आपको स्कोर चाहिए होगा, EWS में 300 से 320, OBC में 300 से 320 और उसके बाद में SC ST में 270 से 270। ओके, कम्युनिटी साइंस की हम बात करें तो 290 से लेके आपका 300 स्कोर होना चाहिए और उसके बाद में वही इतना स्कोर आपका जो है EWS और OBC में आपका होना चाहिए। ओके, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे की हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करें PCM ग्रुप का, ठीक है। PCB ग्रुप का हमने कर लिया, कम्युनिटी साइंस का इतना स्कोर पे रहेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करें PCM ग्रुप की, तो PCM ग्रुप का कितना जो है कट ऑफ रहेगा, कितना स्कोर रहेगा, तो हम उसमें बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप कोर्सेज कर सकते हो जिसमें आपका BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, BTech के जितने भी कोर्सेज हैं, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसके बाद में BTech फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद BTech बायोटेक्नोलॉजी एंड कम्युनिटी साइंस, ये टोटल अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो 8 या 9 कोर्सेज आप PCM के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आप जो है
मैक्सिमम जो कोर्सेस है वो आप PCM के थ्रू कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे जितने भी कट ऑफ की बारे का बात करें तो BSc एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर का लगभग सेम कट ऑफ रहता है, जिसे आप पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके यहाँ पे जो कट ऑफ रहता है वो BTech एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी हम बात करेंगे। तो लास्ट राउंड तक हम बात करें जितने भी आपके ISCRs के राउंड्स होते हैं, उसे फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, ठीक है, तो उसमें आपका 320 से प्लस स्कोर अबव है तो आपको यहाँ पे सीट मिलने का चांसेस है। देन हम बात करें EWS कैटेगरी एंड OBC का, तो सेम अप्रोक्सीमेट 320 के प्लस यदि आपका स्कोर रहेगा तो लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं ये कोर्सेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ओके SC NST की बात करें तो 280 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए, 280 प्लस में आपको यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। एंड देन हम बात करें फूड एंड डेयरी टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो इसमें आपका लास्ट राउंड तक हम बात करें तो इसमें भी 300 के अप्रोक्स यदि आपका स्कोर हो तो यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। SC ST की बात करें तो इनका काफ़ी कम कट ऑफ रहता है, 280 या 250 के, वो भी यदि आपका स्कोर रहेगा तो लास्ट राउंड तक आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है। ओके नेक्स्ट हम बात करें आपका और कोर्सेज की, तो यहाँ पे आप PCM कर लीजिएगा, उसमें BTech बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो वही 300 से अबो आपको स्कोर चाहिए होगा। BSc कॉमर्टी साइंस की बात करें तो 280 से अबो यदि आपका स्कोर है तो यहाँ पे PCM के स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट हो जाता है। ओके तो यहाँ मैं इसी तरह से हम बात करें SC NST का, तो 270 यदि आपका स्कोर हो तो लास्ट राउंड तक आपको सीट अलॉटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। मेनली हम बात करें जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप PCB से हो या PCM से हो, यदि आपका स्कोर 250 से अबो तो आप काउंसलिंग प्रोसेस में जरूर जाएं। अभी आप रैंक कार्ड का वेट करें, जितने भी आपका ऑल इंडिया रैंक होगा उसी की बेसिस पे आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला, ठीक है। तो हमने कट ऑफ की यहाँ पे डिस्कस कर लिया गया है, पेड काउंसलिंग के बारे में हमने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट इनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, चार्जेस आपको बता दिए गए हैं और जितने भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हो। यदि आपको ये नंबर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, यदि कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट्स हो तो आप कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, और साथ ही साथ अपना कैटेगरी, अपना कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से आपने एग्जाम दिया और कितना स्कोर आपका हुआ वो सारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आप सभी के रिप्लाईज दिए जाए।